गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुमल विश्वास आपके साथ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक 3D आर्ट जो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको एक फॉर्मा का ज़रूरत है, जैसे कि आप अगर स्काई को बनाना चाहते हैं तो उस बादल को अगर बनाने के लिए तो आपको एक फॉर्मा जो ज़रूरत है, जिसको मैंने बनाया हुआ है। और उसके लिए आपको ज़रूरत है थोड़ा बहुत, आपको पेंट का भी ज़रूरत है, जिस पेंट को मैंने मंगाया हार्ड कोर, मैंने अमेजोन से फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया। देखिए हार्ड कोर कलर है, जो स्पेन का ब्रांड है, मेड इन स्पेन है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा कलर है, जिसको आपको बहुत शाइनिंग मिलेगा अच्छा सा। तो आप ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। और ये देखिए, ये वाइट है और ये ब्लैक है, तो जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ वो फॉर्मा मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो मैं इसके साथ आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, जिसके मैं देखिए एक पंछी का फेस भी मैंने बनाया, मैंने कार्डबोर्ड काट के बनाया। आप चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, मगर मेरे पास यही था तो मैंने इसी से बनाया। तो मैंने गाइस आपको पहले बोल चुका हूँ कि बहुत इजी है, सिंपल है। तो आप एक पंछी का जो फॉर्मा मैंने बनाया, देखो मैंने ये बहुत इजी तरीके से मैंने काट के बनाया हुआ है। तो मैं इसके साथ ये ब्लैक यूज़ करूँगा, तो ये ब्लैक कलर से मैं स्काई में डालूंगा और ये जो वाइट है मैं इससे ये बादल बनाऊंगा। तो ठीक है, तो ये दोनों कलर मैंने ले चुका हूँ। तो मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा, मेंटेनेंस काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए आप एक नज़ारा कैसा बन रहा है। तो गाइस देखिए, ये इस तरह का कुछ लुक्स आ रहा है, जिसके अंदर पंछी का फॉर्मा अभी तक तो डाला नहीं मैंने। देखिए बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीका है, जो आप बहुत ईजी तरीके से पेंट कर सकते हो और ये लुक्स ऑसम है। इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई सच में मैं आसमान के नीचे सोया हुआ हूँ। देखिए बहुत ही एक अच्छा कलर कम्युनिकेशन है, जिसको मैंने डार्क ब्लू कलर पीछे बैकग्राउंड पे दिया है, जो स्काई कलर है, और उसके ऊपर मैं ये बादल बना रहा हूँ। तो गाइस ये बहुत ही एक अच्छा लुक्स है। तो मैं आपको ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आगे और दिखाऊंगा कि कैसे बना रहा है। देखिए जो इसे मेंटेनेंस है, देखिए इसको ऐसे पकड़ रहा है और इससे ऊपर से मार रहा है, ताकि आपको साइड का जो कलर वो खराब ना हो जाए और एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वो बन जाए। देखिए बहुत, देखिए ये स्प्रे मार रहा है, तो ये देखिए साइड से ये पावर बहुत ले रहा है। एक बार मार के देखा थोड़ा, देखिए कैसे पकड़ा एक के बाद एक पॉइंट का पॉइंट आउट करके, और उसको आसानी तरीके से दूर से जस्ट सिंपली आपको स्प्रे करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपली तरीके से आपको स्प्रे करना है और ऐसे आपको बनाना है। तो अगर गाइस आप ये बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इस मेंटेनेंस का ज़रूरत है तो मैं इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, तो आप इसको कॉल भी कर सकते हैं और इसको कॉल करके आप बुला सकते हैं कि आप मेरा घर का काम कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा से पेंट करता है और इनको बहुत सारा 3D का काम भी आता है। तो गाइस चलो मैं आपको और एक दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, जो दूसरी साइड मेंटेनेंस काम कर रहे हैं मैं उसको भी दिखाता हूँ, चलो आ जाओ। तो गाइस मैं जो दूसरा 3D आर्ट आपको दिखाने वाला हूँ, उसका ये डिज़ाइन सा कुछ ऐसे काट लेना है। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हो, ये आप पहले सबसे पहले ये कर लीजिएगा। देखिए इसका जो इससे और इससे जो डिस्टेंस रहा, ये बराबर एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस आपको रखना है। तो आप स्केल से चाहे आप 2 इंची रख सकते हैं, चाहे आप 1.5 इंच रख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है आप कितना बड़ा बॉक्स बनाओगे, लेकिन जो भी रखना है आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम रखना है। तो ऐसे आप एक फॉर्मा पहले काट लीजिएगा सेम। देखिए मैंने हर तरीके से मैंने सेम एंगल पे काटा हुआ है, तो ऐसा सेम एंगल पे आप एक काट लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको मालूम है, आप ऐसे पकड़नेगा और ऐसा 3 साइड से उसको मिडिल में ये जो सेंटर है ना, देखिए एक सेंटर पकड़नेगा और उससे 3 साइड से ये सेम एंगल से आपको उसको कट करना है। तो सेम एंगल से जब आप कट करोगे तो आपको मिडिल में एक होल बन चुका है। तो इसी एंगल से जो आपने जिसको लाइन पकड़ा था, देखिए जैसे मैंने लाइन पकड़ा आपके लिए मैंने मार्क किया है, जैसे आप जल्दी आसानी से समझ सकते हो। तो इसको भी 3 आपको सेम, यहाँ से जो गैप है ना, ये मार्जिन आप हाफ और इससे हाफ, देखिए दोनों साइड में बराबर है, तो सेंटर में 3 होल वापस आपको कर देना है। ठीक है, तो इससे आप जब कर देंगे आप इसको, तो इसको वापस आगे इसको बढ़ेंगे आप, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट पे आउट भी आपको देखिए सेम होल करनी है, सेम स्पेस, जो स्पेस आपने यहाँ पे रखा था वही सेम स्पेस आपको यहाँ भी पकड़ना है, क्योंकि आपको बाद में मार्किंग करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको होल मार्किंग कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो गाइस चलो देखो, ये इस तरीके से कुछ बन चुका है जो एक 3D आर्ट है। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा है। देखिए जो मेंटेनेंस काम कर रहा है अभी तक उसको कलर मेंशन कर रहा है, तो आप चाहे तो आप कुछ भी कलर फिल कर सकते हो, आपके ऊपर डिफरेंट है आप कौन सा कलर चूज करना चाहोगे, कैसे आपका आंखों में अच्छा लगता है, मगर डिज़ाइन सा कुछ ऐसा। ये देखिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ दिखाता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। देखिए मैंने ये कुछ इस तरीके से पकड़ा था, देखिए आप देख सकते हो ना, देखिए कितना अच्छा से, देखिए
सिंपल, आप पहले एक ऐसा पकड़ने का और उसके बाद क्या करने का, वापस नीचे आ जाने का, सेम तरीके से वापस उसी के नीचे से वापस ऐसे पकड़ने का। तो आपका जो ये जो मार्क किया था ना, इसको वापस आप पेंसिल से हो, मार्कर से, किसी चीज से भी मार्क कर देना, बाद में स्केल से इस तरीके से, इस तरीके, इस तरीके से, इस तरीके, तो आपको ये कलर का जो बॉक्स है वो मिल जाएगा आपको अलग 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 कलर फिल करने के लिए। बस ये बहुत ही सिंपल ऐसी तरीका है जैसे आप कर सकते हो ये चीज। देखो मेरा मेंटर भाई काम कर रहे हैं, तो देखो ये कलर कैसे फिल कर रहा है, तो आप ऐसे आराम से बैठ के बाद में कलर फिल कर सकते हो। तो ये लुक्स बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि देख के आपको दूर से कि एक बॉक्स की कॉर्नर एक दूसरे बॉक्स में घुसा हुआ है, जो कलर कॉम्बिनेशन में आपको दिखेगा। कलर फिल करने के बाद आपको समझ में आएगा, आप दूर से देख सकते हो ना कि कितना आसान और कितना ईजी लुक्स लग रहा है, देखो कितना ऑसम लग रहा है। तो गाइज चलो, इस वीडियो को अगर पसंद आया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि मैं भी जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ वीडियो लेके आऊँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।